हेलो डियर स्टूडेंट, मैंने शिवम शर्मा, वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज का लेक्चर। तो यहाँ पे देखो आप, फंडामेंटल केमिस्ट्री अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में और कितने मतलब क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल जो है 75 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे टोटल, टोटल जो है 5 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर में। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है और आप 75 शब्दों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोकेटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे और कार्बो एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेंट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। देखो, डी लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड क्या होते हैं, ऐसे कहते हैं जैसे आप बेंजीन रिंग बना लो, बेंजीन रिंग जो है वो डी लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड क्या होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कीटोनॉल टोटोमेरिज्म है और ये 5 वाला क्वेश्चन है बॉर्न हैवर साइकिल एंड लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिए। कार्बोकेटायन कार्बो एनायन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंट रूल वो भी इंपॉर्टेंट है, लोकलाइज्ड डी लोग, और ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इनको सभी को सीख सकते हो। और देखो आगे सीखते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए अब हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको क्या है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चंस कैरीज 7.5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 7.5 मार्क्स का, यानी कि 7.5 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा है, ये कि ये 6 नंबर है, 7 नंबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी जा रही है आपसे, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे कौन कौन से आते हैं। और देखो आगे अभी और देखते हैं, देखो यहाँ पे ये 8 नंबर पे है एक, इसको भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको करने तो 2 ही हैं। और फिर देखो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर को आप, आंसर जो है वो आपको डिटेल में देना है, डिटेल में देना है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सभी आपको करने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का, यानी कि 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 9 नंबर पे, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, हाउ इट इज़ मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल दी हुई है, और मेरे चैनल पे भी कुछ वीडियो मिल जाएंगे, अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, कुछ मैंने वीडियो वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, अच्छे से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे और देखते हैं अभी, देखो और यहाँ पे 10 नंबर पे, व्हाट इज स्टेरियो, क्या है ये स्टेरियोसोमेरिज्म, डिस्कस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखो ये बीएसपीआर थ्योरी, ये तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेडी कर लो ना, तो इसके मतलब ये जो अथवा में दिया हुआ है ना, तो इसको आप छोड़ सकते हो, इसको कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है, बीएसपीआर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेप मतलब सेप जो है उसके रिपल्सन में मतलब बताता है, जो मतलब बीएसपीआर थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल, जैसे ये यहाँ पे PCl5 दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है और ClF3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इनकी सेप बनती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें कुछ रिपल्सन होता है लोन पेयर के द्वारा, तो वही चीज़ उसमें बताई जाती है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो बीएसपीआर थ्योरी बहुत ज़्यादा ईजी, आप अच्छे से तैयार कर लो, ये तो आने वाली है। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम लोग और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये एक 11 नंबर पे दिया है, डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर। तो यार ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ईजी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो यार आपको तैयार करना चाहिए और ये आसानी से तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बनता है ऐसे करके, एक यहाँ पे एटम होगा, एक यहाँ पे एटम होगा, फिर इसके एनर्जी लेवल डायग्राम आएंगे, बहुत ज़्यादा ईजी होता है यार, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट पेज एक और बचता है, उसमें भी देख लेते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक ये वाला अथवा में है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑफ फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, लेकिन आपको करने तो सभी है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ये क्या है, प्रतिबिंब रूपता, ये तो यार ये भी आप पढ़ ही लो यार, और क्या पढ़ ही लो, फिलहाल जो आपको सही लगे वही करो, आप अच्छे से करो, तैयारी करो, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से तैयार कर लो, 2023 का पेपर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।